Hello everyone, I am Akhilesh Kumar Shivastov, and in today's lecture, we will discuss about the collision resolution using open addressing. So hashing की series में हम लोगों ने already ये discuss किया हुआ है कि किस तरह से हम address calculate करते हैं using the division method, using the mid square method and using the folding method. So आज के lecture में हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई collision होता है तो उसको कैसे resolve किया जाएगा. तो collision को resolve करने के लिए mainly दो techniques होती हैं. एक टेक्निक को हम कहते हैं ओपन एड्रेसिंग और एक टेक्निक को हम कहते हैं सेपरेट चेनिंग. सो ओपन एड्रेसिंग जो मेथड है उस मेथड में हम ये मानते हैं कि जो गिवन टेबल है वो पूरी हमारी है और उसमें हम किसी भी प्लेस पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो ओपन एड्रेसिंग मैकेनिज्म के तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं. पहला जो है वो है लीनियर प्रोबिंग, दूसरा जो हमारे पास है दैट इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, एंड जो थर्ड मेथड हमारे पास है दैट इज द डबल हैशिंग. डबल हैशिंग को हम री हैशिंग भी कहते हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग लीनियर प्रोबिंग मेथड को समझते हैं. तो लीनियर प्रोबिंग मेथड का ये मीनिंग है कि हमारे पास अगर एक टेबल है और किसी एक लोकेशन पे ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड है तो हम नेक्स्ट लोकेशन को पिक करके वहां पे डेटा को स्टोर कर देते हैं अगर नेक्स्ट लोकेशन फ्री है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है इस तरह की. ये जो हैश टेबल हमारे पास है वो उसमें मान लेते हैं कि हमारे पास 15 सेल्स हैं. तो 15 सेल्स का ये मीनिंग है कि हमारा जो 15 सेल्स का मीनिंग है कि हमारे पास जो एड्रेसेस होंगे वो 0 से लेके 14 तक होंगे. नाउ लेट्स से वी हैव द डेटा टू स्टोर. फॉर एग्जांपल ए एक डेटा हमारे पास है जिसका जो एड्रेस है वो 7 है. बी हमारे पास डेटा है जिसका एड्रेस 5 है. सी हमारे पास डेटा है जिसका 14 है एड्रेस. डी डेटा है जिसका एड्रेस 12 है. ई डेटा है जिसका एड्रेस 13 है. एफ डेटा हमारे पास है जिसका एड्रेस 12 है. और एक मान लेते हैं कि जी डेटा हमारे पास है जिसका एड्रेस लेट्स से 5 है. एक और ले लेते हैं एच डेटा जिसका एड्रेस हमारे पास लेट्स से अगेन 5 आता है. सो हमने जब स्टार्ट करा किया इसको स्टोर कराना तो ए का एड्रेस 7 है तो हम ए को डायरेक्टली यहाँ स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद फिर बी का एड्रेस है 5 और 5 लोकेशन फ्री है तो हम स्टोर कर सकते हैं. सी है जिसका एड्रेस 14 आया तो 14 जो एड्रेस है वहां पे हम सी को स्टोर कर देते हैं. डी का एड्रेस है 12, 12 फ्री है डी को स्टोर कर देते हैं. ई का एड्रेस 13 है ई को स्टोर कर देते हैं यहाँ पे. देन एफ का एड्रेस 12 आया जो कि बिजी है. तो अगर 12 एड्रेस बिजी है तो हम क्या करते हैं एच इज द एड्रेस जिस जो कि 12 आया है उसमें 1 ऐड कर देते हैं. तो इसको 1 ऐड करने से ये क्या आएगा 13 आ जाएगा लेकिन 13 लोकेशन भी बिजी है. तो फिर हम क्या करते हैं एच प्लस 2 लोकेशन देखते हैं. इट मींस 12 प्लस 2 14 एड्रेस देखते हैं 14 भी बिजी है. एंड देन इसके बाद फिर एच प्लस 3 एड्रेस देखते हैं जो कि 15 हो जाएगा. 15 हमारे टेबल में नहीं है तो हम क्या करते हैं कि इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं टेबल साइज से. तो टेबल साइज 15 है तो 15 मॉड 15 से ये वैल्यू 0 हो जाएगी. तो हम 0 एड्रेस देखते हैं कि क्या फ्री है. तो यस 0 एड्रेस हमारे पास फ्री है तो हम एफ को यहाँ स्टोर करा देते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी एक डेटा को स्टोर जब हम करा रहे हैं और उस लोकेशन पे कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एच प्लस 1 लोकेशन देख रहे हैं और एच प्लस 2 लोकेशन देखेंगे. अगर इनमें से पहला लोकेशन नहीं फ्री है तो हम वहां पे स्टोर करा देंगे. अगर दूसरा लोकेशन फ्री है पहला लोकेशन फ्री नहीं है दूसरा फ्री है तो वहां स्टोर करा देंगे. एंड सो ऑन सो फोर्थ हम इस प्रोसेस को करेंगे और ये ध्यान देंगे कि हर एक हम एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं कि हम एच प्लस 1 मॉड टेबल साइज एच प्लस 2 डॉट मॉड टेबल साइज एच प्लस 3 डॉट एच प्लस 3 मॉड टेबल साइज एंड सो ऑन सो फोर्थ हम इसको सर्च करेंगे. एक जनरलाइज फार्मूला अगर हम लिखने की कोशिश करें सो एच प्लस आई मॉड टेबल साइज वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी लोकेशन सर्च करनी है नेक्स्ट ऐसी लोकेशन सर्च करनी जो कि फ्री हो कंसिडरिंग कि हमारे जो टेबल है वो साइक्लिक है और अगर हम लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो उससे हम
वापस आ जाएंगे जीरो लोकेशन पे एंड वहां पे स्टोरेज करने की कोशिश करेंगे अगर हम लास्ट लोकेशन पर स्टोर नहीं कर सकते। सो एफ का स्टोरेज हो गया है, लेट्स सी द स्टोरेज ऑफ दिस जी एट एड्रेस 5। सो आप देख सकते हैं कि 5 लोकेशन बिजी है, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 6 लोकेशन पे देखेंगे, 6 लोकेशन फ्री है तो हम जी को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। सिमिलरली एच का लोकेशन 5 आया, यहाँ नहीं स्टोर किया जा सकता, तो हम 5 + 1 6 लोकेशन देखेंगे, 6 + 1 7 लोकेशन देखेंगे, ये भी बिजी है, 7 + 1 8 लोकेशन देखेंगे जो कि फ्री है, यहाँ जाके हम एच को स्टोर कर देते हैं। एक फाइनली एक और डेटा देख लेते हैं, लेट से हमें आई स्टोर करना है और आई का जो एड्रेस है वो 13 है। सो ऑब्वियसली 13 एड्रेस बिजी है, यहाँ पे स्टोर नहीं किया जा सकता, तो हम 13 + 1 14 लोकेशन देखेंगे। सो 13 + 1 जो 14 लोकेशन है, 14 भी बिजी है, तो फिर हम 14 + 1 मॉड टेबल साइज मतलब कि 15 देखेंगे जो कि जीरो लोकेशन है और जीरो लोकेशन भी बिजी है, यहाँ भी स्टोर नहीं किया जा सकता। फिर हम देखेंगे 14 + 2 16 मॉड टेबल साइज, इससे हमारी जो लोकेशन आएगी वो आएगी 1। यहाँ देख लेते हैं कि क्या हम 1 पे स्टोर कर सकते हैं क्या, तो 1 पे यस फ्री है, हम यहाँ पे जाके आई को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मेथड हमने अडॉप्ट किया है, इस मेथड में हमने सिंपल सा यही किया है कि हम आई को वेरी करा रहे हैं और आई को वेरी कराते कराते 1 ऑनवर्ड्स हम आई को वेरी करा रहे हैं, जहां पे भी फ्री स्पेस मिलेगा वहां पे जाके अपने डेटा आइटम को स्टोर कर देंगे। नाउ यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि हम आई को कितनी बार वेरी कराएं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा लोकेशन 5 आता है और हमें यहाँ या जो जिस आइटम को हमें स्टोर करना है उसका लोकेशन 5 है और उसके बाद फिर हमें उसको स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे 6 देखेंगे 7 देखेंगे 8 देखेंगे, मान लेते हैं कि सारी लोकेशन बिजी है, ये सारी लोकेशन हम देखेंगे एंड देन वापस आएंगे, 0 भी देखेंगे 1 भी देखेंगे 2 भी देखेंगे 3 भी देखेंगे और 4 भी देखेंगे, लेकिन इसके बाद आप फर्दर आप नहीं देखेंगे क्योंकि आपने एक साइकिल में सारे के सारे लोकेशन को देख लिया है। अब इसके बाद आपको दूसरी साइकिल परफॉर्म नहीं करनी है, तो ये हमारी एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी कि हम कितनी बार इसको देखने जा रहे हैं। नाउ अगर मान लीजिए कि हमने 5 से स्टार्ट किया था, सो व्हाट विल रिजल्ट इन 5, माने अगर साइक्लिक वापस आए तो 4 पे में आके रुक जाना है, इसका मतलब क्या है कि 4 के बाद आप कोई भी और लोकेशंस को नहीं देखेंगे, तो अगर हम 5 में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करें जो हमें 4 दे दे, तो 5 + 14 मॉड टेबल साइज अगर हम करें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 19 mod 15, 19 mod 15 की वैल्यू होगी 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी वो टेबल साइज -1 हो सकती है जो हम इसमें ऐड करें। 4 पे ही आके हमें अब अपना लास्ट डिसीजन लेना है कि यस ये आइटम अब स्टोर नहीं किया जा सकता, या अगर 4 लोकेशन फ्री है तो मान लेते वर्स्ट केस में हम इसे यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तो हमें केवल एक साइकिल परफॉर्म करनी है और एक साइकिल के लिए जो एडिटिव वैल्यूज है हैश एड्रेस में वो टेबल साइज -1 मैक्सिमम हो सकती है, जहां पे आई हमारा वेरी करेगा 1 से लेके एन माइनस टेबल साइज -1 तक। तो आइए इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं। सो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं लीनियर प्रोबिंग के फंक्शन पे। सो ये लीनियर प्रोबिंग का फंक्शन है जिसमें हमें एक हैश टेबल गिवन है और टेबल की साइज हमें गिवन है और एक डेटा वैल्यू है जिसको हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे मान लिया कि हमने जो यूज किया है यहाँ पे मेथड स्टोरेज का या हैश एड्रेस को फाइंड करने का, वो है हमारा मॉड्यूलस मेथड, और मॉड्यूलस मेथड में हम किसी भी डेटा वैल्यू को टेबल साइज से मॉड लेके स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास की 55 है जिसको हमें स्टोर करना है, तो वी आर टेकिंग द मॉड्यूलस ऑफ दिस विद 15 एंड दिस कम्स आउट टू 10, तो 10 इज द हैश एड्रेस या लोकेशन ऑफ द एलिमेंट 55 इन द हैश टेबल। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हैश एड्रेस फाइंड कर लिया, दैट हैश एड्रेस इज m। अगर टेबल में जो हमने टेबल बनाई है, ये हमने अज्यूम कर लिया है कि टेबल में इनिशियलाइज्ड वैल्यूज 0 है, सारी की सारी वैल्यूज 0 है, 0 एक इंडिकेटर है कि ये लोकेशन फ्री है। सो हमारे पास जो हैश टेबल है उसमें 15 डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसा कि हमने अभी माना है, तो 0 इंडेक्स से लेके 14 इंडेक्स तक होंगे, लास्ट इंडेक्स इसका 14 होगा, और हमने यहाँ पे जो भी लोकेशन को फाइंड किया है उन सभी लोकेशंस पे इनिशियली 0 है, तो 0 ये इंडिकेटर हो गया कि हमारा लोकेशन फ्री है, यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। 0 के अलावा कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे नहीं स्टोर किया जा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी फिल्ड स्पेस है हैश टेबल में। सो ये हमारा टेबल है और टेबल की जो साइज है वो ts है, स्मॉल में ts हमने लिया है लोअर केस में। सो अगर टेबल के m इंडेक्स पे, जैसे कि m इंडेक्स हमने एड्रेस फाइंड किया इस x का,
तो मान लेते हैं कि एम इंडेक्स ये वाला है, तो टेबल के एम इंडेक्स पे अगर जीरो है तो इसका मतलब कि हम स्टोर कर सकते हैं एक्स को एम इंडेक्स पे, लेकिन अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि कोलिजन हो गया। तो अगर कोलिजन हो गया तो हम उसको रिजोल्व कैसे करेंगे, लीनियर प्रूविंग मेथड से हम रिजोल्व करने जा रहे हैं। अभी मैं फ्लैग की बात करता हूँ, फ्लैग को छोड़ दीजिए, बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या देखा कि आई की वैल्यू 1 लिया और लेस देन टेबल साइज। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेबल साइज -1 तक ही आप वेरी कराइए आई को, और ऐड करते रहिए, न्यू पोजीशन फाइंड कीजिए। सो न्यू पोजीशन क्या होगी, जो करंट एड्रेस हमारा एम था उसमें आपने आई को ऐड किया एंड देन आपने मॉड्यूलस विद टेबल साइज ले लिया। अब न्यू पोजीशन में टेबल में देख लीजिए कि अगर जीरो है तो आप इस डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप डेटा आइटम को स्टोर करेंगे वैसे ही आप फ्लैग को 1 सेट करके ब्रेक कर जाइए, क्योंकि आपने डेटा वैल्यू तो ऑलरेडी स्टोर कर लिया है। तो डेटा वैल्यू ऑलरेडी स्टोर कर लिया तो उसका मतलब है कि फर्दर आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपका आइटम स्टोर हो गया है। एंड देन उसके बाद आप फ्लैग को रिटर्न कर दीजिए। फ्लैग को इस यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से रिटर्न करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होके हम बाहर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने आइटम को स्टोर कर लिया, लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब है कि हमें अपने टेबल में कहीं पे भी जगह नहीं मिली जहां पे हम इस डेटा आइटम को स्टोर कर पाते। सो इस तरह से हमने लीनियर प्रोबिंग मेथड से इसको स्टोर कर लिया। सो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गया है। अब आइए मेन की तरफ चलते हैं, और मेन में बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिससे कि हम इनपुट्स लेंगे और अकॉर्डिंगली हम इस टेबल के हिसाब से स्टोरेज कराएंगे। सो दिस इज दी मेन, और इस मेन में हमने की ले लिया है, एक टेबल ले लिया है जिसकी साइज 15 है, टी एस इज इक्वल टू 15। फिर एक लीनियर प्रोबिंग की एक टेबल बना ली है जो जिसमें जिसको हम हैश टेबल कह रहे हैं, और इसी हैश टेबल में हमारा स्टोरेज होगा। इसकी सारी वैल्यूज को इनिशियली 0 कर लिया है। नाउ इसके बाद हम यूजर से पूछते हैं कि कितने आइटम उसको स्टोर कराने हैं, और अकॉर्डिंगली उसको हम एन में ले लेते हैं। जितने भी आइटम यूजर ने बोला है उसका हम इनपुट करा लेते हैं और एक एक करके उसको लीनियर प्रोबिंग मेथड से स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। एंड देन इसके बाद हम डिस्प्ले कराते हैं कि टेबल के किस पोजीशन में हमने इसको स्टोर किया। तो ये लास्ट वाला लूप आप देखिएगा, लास्ट वाले लूप में ये कह रहा है कि टेबल LPI, मतलब कि हमें प्रिंट करके दिखाना है कि किस लोकेशन पे कौन सा आइटम स्टोर हुआ है। फाइन, सो टेबल LPI सिंपल यही कह रहा है कि टेबल LP का मतलब है लीनियर प्रोबिंग। सो लीनियर प्रोबिंग वाली जो टेबल है उसमें, या हैश टेबल जो हमारी है उसके किस इंडेक्स पे या किस लोकेशन पे कौन सी डेटा वैल्यू स्टोर है, हम उसको यहाँ से वही शो कर रहे हैं। नाउ ये जो दो लूप्स एक्सटेंडेड, ये सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम इंडेक्सेस को प्रिंट कर रहे हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, या समझने के लिए हम केवल कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने लोकेशन को प्रिंट कर लिया एंड यहाँ पे हम एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं, मैंने कि टेबल जैसा लुक देने के लिए सिंपली हम उसके नीचे लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं। सो इन दोनों का कोई महत्व तो नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लूप है वो हमारा 153 नंबर लाइन ऑनवर्ड्स है, जिसमें हमने टेबल के लोकेशन में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है, और इस टेबल में हमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें स्टोर करने हैं वो 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो 5 एलिमेंट्स स्टोर करते हैं, 5 एलिमेंट्स हम वैल्यू ले लेते हैं इस तरह से हम लेंगे कि जिसमें कि कुछ कोलिजन हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हम मॉड्यूलस विद 15 ले रहे हैं, तो लेट से हमने सबसे पहले 50 ले लिया, तो 50 का मॉड्यूलस 5 आएगा, तो हम एक ऐसा डेटा वैल्यू ले लेते हैं जिसमें कि मॉड्यूलस 5 आएगा। सो 50 के बाद मॉड्यूलस 5 किस में आ सकता है, 15 थ्री जा 15, फोर जा 60 एंड 65, तो यहाँ पे एक कॉलेजन हो जाएगा। एक और डेटा वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट से हमने 80 ले लिया, तो 80 से 10 आएगा मॉड्यूलस, और एक और डेटा ले लेते हैं जिससे कि यहाँ पे कॉलेजन हो जाए। सो 80 इज 100 ले लेते हैं, 100 से भी कोलिजन होगा और 10 इंडेक्स आएगा इसमें। एंड एक और 10 वाला ले लेते हैं जिससे कि हम ये देख सकें कि नेक्स्ट 2 पोजीशन ऑनवर्ड्स ये स्टोर हो सकता है। तो लेट से हमने एक 55 डेटा ले लिया जिससे भी मॉड्यूलस 10 आ जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं ये स्टोरेज है, आप इसको वेरीफाई कीजिए कि ये स्टोरेज हमारा सही है या नहीं है। तो आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने 50 डेटा को स्टोर किया है, तो 50 डेटा का जो इंडेक्स आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 4 पे 0 है, और 5 इंडेक्स पे 50 को हमने स्टोर किया क्योंकि 50 मॉड्यूलस 15 हमारा 5 आएगा। देन इसके बाद 65 को स्टोर करना है, तो 65 का भी मॉड्यूलस 5 आएगा, लेकिन 5 पे कॉलिजन होगा तो 5 पे हम स्टोर नहीं कर सकते, तो हमने इसको 6 पे स्टोर कर दिया। देन 80 का जब आप मॉड्यूलस लेंगे तो 80 का मॉड्यूलस कितना आएगा, 5 आएगा, 80 को आप यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते।
फाइव के बाद आप सिक्स देखिए, लोकेशन सिक्स भी बिजी है, सिक्स के बाद सेवन को देखिए, यस आपने सेवन लोकेशन पे इसको स्टोर कर दिया। नेक्स्ट जो डेटा आपने लिया है दैट इज नेक्स्ट डेटा आइटम इज 100 एंड देन 55। सो 100 को स्टोर कराने के लिए आपने देखा तो 10 मॉड्यूलस आया, देखिए 8 पे 0 है, 9 पे 0 है, 10 पे हमने 100 को स्टोर कर लिया है। जब आपने 55 लिया तो अगेन जो है मॉड्यूलस आपका 10 आया, तो आप 10 पे नहीं स्टोर कर सकते, तो क्या आप क्या करोगे कि 11 पे देखोगे, देखिए आपने 11 पे इसको स्टोर कर लिया है। सो हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया है कि दिस वर्क्स फाइन। अगर आप एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो आइए हम इसको फिर से रन करके एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सो लेट्स से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको स्टोर करने हैं, दोज आर लेट्स से सिक्स एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, एक 100 ले लेते हैं, 10 आएगा मॉड्यूलस इसमें, एक 104 ले लेते हैं जिससे कि 14 आएगा, देन इसके बाद एक 103 ले लेते हैं जिससे 13 आएगा, और एक 73 ले लेते हैं जिससे कि 13 आएगा, एक हम 74 ले लेते हैं जैसे कि 14 आएगा, एंड 54 ले लेते, गलती हो गई हमसे, एक 74 ले लेते हैं। सो आइए हम देखते हैं कि इसका स्टोरेज सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके फाइन, तो वेरीफाई करते हैं इसका जो स्टोरेज है, और सबसे पहले हमने 100 को स्टोर किया है, तो 100 को किस लोकेशन पर स्टोर किया जाएगा, 100 को 10 इंडेक्स पर स्टोर किया जाएगा। अगर हम वेरीफाई करते करते चलें तो 0, ये 900 हमारा 10 इंडेक्स पे स्टोर हो गया, देन 104 हमारा 14 इंडेक्स पे स्टोर होगा, 14 इंडेक्स पे हमने इसको स्टोर कर लिया है। ये 0 11 पे है, 0 12 पे है, 103 13 पे, 103 की बात हम बाद में करेंगे, 14 पे हमारा 104 स्टोर हो गया है, तो 103 कहाँ स्टोर होगा, वो 13 इंडेक्स पे स्टोर होगा। एंड देन इसके बाद जो हमने डेटा लिया है दैट इज 73, 73 का मॉड्यूलस आएगा 15, 14 इंडेक्स आएगा इसका, सॉरी 13 इंडेक्स आएगा, और 13 पे नहीं स्टोर किया सकता इसको, तो आप 14 पे देखेंगे, 14 पे भी नहीं स्टोर किया सकता तो आप क्या करेंगे, इसको 0 इंडेक्स पे देखेंगे, तो 0 इंडेक्स पे हमने इसको स्टोर कर लिया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम स्टोरेज प्रोसेस को कर रहे हैं इन दी लीनियर प्रोग्रामिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ दी लीनियर प्रोग्रामिंग इज वर्किंग। In the next lecture, we will learn about how to store the data values in the case of the collision using the quadratic probing. Thanks for watching this video.